गुड इवनिंग, होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। मैं आज फिर से आ गई हूँ इवनिंग में मेरा वीडियो लेके, और मैं आज बहुत यम्मी वाला एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप गेस करो क्या है। अब नहीं गेस कर सकते क्योंकि मेरे मन में जो है आप कैसे गेस करोगे। तो फिर मैं बता देती हूँ झटपट से, मैं आज बनाऊँगी चिकन बटर मसाला, और ये स्पेशली उन सब के लिए है जिसको नॉनवेज बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मैं तो वो तो बनाऊंगी आज, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो चीज़ के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो पहले मैं वो बात बता देती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि जैसे कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि जैसे सब्सक्राइब के, जब सब्सक्रिप्शन होता है उसके अंदर जब कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे दोस्ती कीजिए, तो जब मैं दोस्ती कर रहा हूँ वो पीछे चला जा रहा है। तो देखता हूँ कि वो सब्सक्राइब किए, फिर बाद में देखते हूँ कि वो सब्सक्राइब उठा लिया है। तो प्लीज़ गाइज, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग का जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें सबको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। मैं जितना भी अच्छा वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप सबके लिए बनाती हूँ, और आप भी जैसे वीडियो बनाते हो हम सब के लिए बनाते हो। अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तो कैसे होगा, तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए गाइस, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऑनेस्टली जो आप करते हैं, अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा दिए हैं तो प्लीज़ उसको उस हाथ को पीछे मत कीजिए। तो यही मेरा बात था। और हाँ, मेरा वीडियो जो फुल वॉच करेगा, मैं उसका वीडियो वॉच करूँगी फुल, और ऐसा मैं करती भी हूँ। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैं जिसका वीडियो देखती हूँ, जिन जिन का वीडियो देखती हूँ, वो पूरा ही वॉच करती हूँ। और प्लीज़ आप भी पूरा वॉच कीजिए, और उसके बाद अगर आप मेरे साथ अच्छा से फ्रेंडशिप निभाओगे तो मैं आपका सिर्फ वो वीडियो नहीं देखूंगी, जो वीडियो आप पहले भी डाल चुके हो वो वीडियो में भी वॉच करूंगी। तो प्लीज़ गाइस, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए और आगे बढ़ते चलिए। हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए। तो ये था मेरा बात। अभी मैं किचन में जाऊंगी मेरा चिकन बटर मसाला बनाने के लिए। तो चिकन बटर मसाला तो बनाऊंगी, लेकिन इतना गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा यूट्यूबर फ्रेंड्स के लिए मैं रोज़ नया नया एक रेसिपी सोचती हूँ और अच्छा से प्रेजेंटेशन करती हूँ। तो चलिए, तो चिकन बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चिकन बटर मसाला में चाहिए चिकन। मैंने चिकन ले लिए हैं, 1 किलो चिकन लिया हूँ मैंने, और इसको नमक और हल्दी से मैरिनेट करके 15-20 मिनट्स रख दिया हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया है काजू और 4 मगज। काजू मैंने लिया 10-12 पीस काजू ले लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 मगज, और लिया है पोस्तो दाना 1 चम्मच, और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा के रख दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 5-6 प्याज लिए हैं, और 5-6 प्याज को मैंने ऐसे मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिए हैं। उसके बाद चिकन बटर मसाला बनाने के लिए बटर चाहिए। मैंने बटर 100 ग्राम लिए हैं, लेकिन मुझे बटर बाद में देना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो दूंगी वो है आपका रिफाइंड ऑयल, क्योंकि पहले ही बटर देने से तो वो हवा में ऐसे ही धुआं होकर निकल जाता है, तो इसके लिए ऑयल बैलेंस करता है, इसीलिए मैंने ले लिया है आधी लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ ग्रीन चिली मैंने ये लिया है, लहसुन लिया हूँ मैंने आपका पूरा 1 कुआ लहसुन ले लिया हूँ, और आधा इतना सा मैंने ले लिया है आधी, और उसके बाद 6-7 मैंने हरा मिर्ची लिया हो। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा इसके अंदर दही। दही को मैंने पूरा फेंट के 1/2 कप जैसे दही, 1 कप दही मान लीजिए, 1 कप दही मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद इसका फ़ौरन के लिए चाहिए मुझे इलायची, दालचीनी, फिर लौंग और सूखा मिर्चा। उसके बाद चाहिए और आपका तेज पत्ता, जो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूँगी, लेकिन आप ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद ये इसको मैं मिक्सी में अभी ग्राइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है काला नमक,
और ऐसे नमक भी दूंगी और काला नमक भी दूंगी, और उसके बाद जो जो मसाला पाउडर पड़ेगा वो मैं ऐसे देते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी। तो मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है और मैं इसके अंदर अभी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल इसके अंदर दे दिए हैं और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी फ़ोरन के लिए सूखा मिर्चा, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये सब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर और फिर थोड़ा सा इसको चला लूँगी। मैंने गाइस इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है, 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है, इसीलिए कि मुझे बटर भी इसके अंदर यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मसाला को फ्राई करने दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसके अंदर दे दिया मैंने प्याज, प्याज को थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सब मसाला ऐड करूँगी इसके अंदर, तो थोड़ा सा प्याज हो जाए फिर उसके अंदर और दूँगी। इसको थोड़ा सा मैं अभी ढक दूँगी और थोड़ा सा प्याज को होने दूँगी। और मेरा यहाँ पे जैसे ही प्याज थोड़ा सा भून रहा है तब तक मैं यहाँ पे कढ़ाई दे दिया हूँ गैस के ऊपर और इसके अंदर सन ड्रॉप ऑयल दे दिए हूँ और ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो सब मैं फ्राई कर लूँगी अभी करके, चिकन को मैं फ्राई करूँगी। और तब तक ये जब फ्राई हो रहा है अभी इसके अंदर मैं दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2-3 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और उसको फिर अच्छा से चला लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं तेल यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ किया हूँ, क्योंकि अभी जो चिकन फ्राई हो रहा है तो वो ऑयल फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसीलिए, फिर बटर भी है, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अभी ये मैंने जो इसका बैटर बना के रख दिया था, काजू, पोस्तोदाना, फिर उसके बाद 4 मगज का, वो सब मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ अभी। थोड़ा सा इसको और चला लूँगी, और फिर इसको कुछ देर के लिए ढक दूँगी और तब तक मेरा यहाँ पे चिकन हो ही रहा है तो चिकन को मैं पलट दूँगी। ऐसे करके अच्छी मैं इसको होने दूंगी। बस तो देखिए गाइस ऐसे करके सब फ्राई करना पड़ेगा, मतलब फ्राई मतलब पूरा फ्राई नहीं, शैलो फ्राई टाइप का सबको मैंने कर लिया है। और ये देखिए इसके अंदर जो मेरा ऑयल बच गया है इसको मैं अभी इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी और फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगी। अभी ये मसाला मेरा बहुत अच्छा से हो गया है,
और फिर अभी मैं इसके अंदर एक एक करके मसाला डालते जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी हल्दी पाउडर, फिर डालूंगी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, फिर मैं डाल दिया इसके अंदर जीरा पाउडर, मतलब 1 टीस्पून कर करके मैं सब डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, लेकिन नमक थोड़ा सा कम ही डालूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे काला नमक भी डालना है। लेकिन इसके अंदर मैं वो तीखा लाल मिर्ची ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने जब काजू, उसके बाद पोस्तदाना सब कुछ ग्राइंड किए थे, उसके अंदर मैंने मिर्ची, ग्रीन चिली भी ऐड किया था, तो इसीलिए मैं इसके अंदर अभी ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर ओनली कलर के लिए 1 टीस्पून। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर गोलकी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद इसको मैं बहुत अच्छा से चलाऊंगी। गैस मेरा हाई फ्लेम में ही है और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो मैं बटर रख दिया था, वो बटर को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको फिर अच्छा से चलाते जाऊंगी और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो मैंने दही रख दिया था, उसको फेंट लिया हूँ, उसको भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो देखिए गाइस कितना अच्छा कलर बन रहा है ना ये। अभी मैं ये जो काला नमक रखा था ये भी इसके अंदर दे दूंगी और ये जब तक हो रहा है इसके अंदर मैं अभी ऐड करूंगी मैंने जो चिकन रखा था, सब चिकन को मैं इसके अंदर डाल दूंगी धीरे धीरे। ऐसे करके मैं इसके अंदर सब डाल दिया हूँ। फिर मैं उसको और एक बार अच्छा से चला लूँगी। चला लिए और फिर मैं इसको सिम करके ढक दूँगी। अभी मैं गर्म पानी नहीं किया हूँ, अभी मैं गर्म पानी बैठाऊँगी, फिर बाद में थोड़ा सा गर्म पानी भी इसके अंदर, जब पानी ऐड करूँगी तो एकदम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इतना तक मैं देख के अभी गैस सिम करके रख दिया हूँ, उसके बाद प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट। तो मैं अभी देख लेती हूँ कैसा बना। देखिए गाइस कितना यम्मी बना है और दही का, बटर का पूरा एकदम ऑयल ऊपर आ गया। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि आपका चिकन एकदम परफेक्ट बन रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी, थोड़ा सा हाफ कप जैसा मैं इसके अंदर ऐड कर दिए और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा मतलब 1/2 टीस्पून बस ऐड कर लिए। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, वो भी इतना ही। और फिर मैं उसको थोड़ा सा और चला लूँगी, चला के मैं इसको फिर से होने के लिए ढक दूँगी। ये जितना ज़्यादा ये मतलब होगा सिम करके, जितना जितना ज़्यादा होगा इसमें टेस्ट उतना ज़्यादा आएगा। तो फिर मैं इसको ढक के इसको सिम करके मैं फिर से ढक देती हूँ, फिर बन जाएगा मेरा चिकन बटर मसाला। तो गाइस देखिए मेरा चिकन बटर मसाला कितना अच्छा बना है और आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। बहुत ही यम्मी बना है। और हाँ मैं और एक बात बता देती हूँ,
जो मेरा वीडियो देखते हैं और जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मुझे दोस्त बनाए हैं, उनको थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ वो मुझे दोस्त बना ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा एवरीडे जो मैं वीडियो डालती हूँ वो आप अच्छा से देखें। तो टिल देन, बाय बाय।